हेलो दोस्तों, ये कल शाम की वीडियो है। रात में बनाए थे आलू भर कर के पराठा। और देखिए, इसमें मिर्चा, धनिया की पत्ती सब कुछ कट करके रख दिए हैं। और उधर आलू जो है उबाल करके रखे हैं, उसमें थोड़ा मटर भी डाल दिए थे, और भी अच्छा लगता है। चोखा बन के तैयार हो गया है। और यहाँ पर देखिए, धनिया की चटनी, धनिया टमाटर की, बहुत ही अच्छी लगती है, घर की धनिया है। और फिर बना रहे हैं पूड़ी, पूड़ी नहीं पराठा ही कहिए इसको, तो जो बहुत ही अच्छा लगता है सभी लोगों को। केवल चटनी और ये पराठा ही बनाए थे, लेकिन सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाया था। और देखिए बन रहा है कितना टेस्टी सा। राज को बड़ा अच्छा लगता है, वो तो हमेशा ही जिद करता रहता है, खाता भी है, वो अधिकतर टिफिन में भी ले जाता है। और इस समय जो है आलू का सीजन है, इस वजह से जो ताज़े ताज़े आलू आ रहे हैं उसका पराठा भी बहुत अच्छा होता है। देखिए, और यहाँ पर निकाल दिया हमने बाबूजी के लिए ये चटनी और पराठा, और इधर भी गोसाई बाबा के लिए भी निकाल दिया है। सब लोग खा करके सो गए, और फिर मिल रहे हैं हम सुबह में। देखिए हमारा गुड़हल का फूल कितना अच्छा है। सुबह क्या करीब 8 बज गए थे, तब का है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और देखिए वैसे गुड मॉर्निंग कभी से हो गया है। राज स्कूल चले गए, बाबूजी भी अपना चाय पी रहे हैं, और गोसाई बाबा भी चाय पी करके अपना नहा धो के कपड़ा धुल गए हैं शायद। और इधर देखिए खेत का नज़ारा कैसा है। प्रातः काल बड़ा अच्छा लगता है, चारों तरफ पोस्ट की बूंदें, और ये चल रहा है मशीन ट्यूबवेल। और अब हम बनाएंगे हम सबके लिए भोजन। रात के लिए नाश्ता हो गया था, वो खा कर के लेकर के चले गए हैं। और देखिए ये है प्यारी बिछिया, इसको बहुत अच्छा लगता है फोटो खिंचवाना। देखिए, और इसके लिए आया है गद्दा। ये रात को गद्दे पर बैठती है। अभी आपको दिखाते हैं इसका गद्दा कैसा है। बाबूजी बहुत मानते हैं इन सबों को, कहते हैं गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और देखिए किस तरह का गद्दा है इन लोगों का। और देखिए बाहर से आने के बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं दाल। दाल में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ पड़ता है, बाबूजी को पसंद है, तो ये अरबी का पत्ता और काटे हैं, इसमें डाले हैं। उसके बाद से टमाटर कट कर रहे हैं, और उनको बिना कुछ डाले अच्छा नहीं लगता है दाल में। केवल दाल बनती है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ साग वगैरह डलवाते हैं, चाहे कोई भी साग हो तो उनको अच्छा लगता है डालने पर। अब तो नमक हल्दी इसमें ऐड कर दे रहे हैं, और फिर रख देंगे दाल होने के लिए। और सुबह में आपको पता है कितना जल्दीबाजी रहता है, जल्दी जल्दी, और फिर हमको अकेले ही करना रहता है। हमारे घर में तो करने के लिए कोई भी नहीं है, और बाहर का भी देखभाल करना ही पड़ता है कुछ ना कुछ हमको भी। देखिए यहाँ पर दाल रख रहे हैं, और दाल रख देंगे, उसके बाद से फिर चटनी की तैयारी कर रहे हैं। बाबूजी को चटनी भी पसंद है, वैसे चटनी सब लोग खाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर धनिया हमने पहले ही धुल करके रख दिया था, धनिया टमाटर मिर्चा सब कुछ, तो यहाँ पर कट कर देते हैं जल्दी से, और बन जाएगी टेस्टी सी चटनी, अभी तैयार हो जाएगी, देखिएगा। और घर की धनिया का स्वाद ही कुछ अलग होता है, एकदम हरा भरा, तुरंत खेत में से ला कर के धुल करके उसको बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। गांव में तो ये संभव है, शहर में तो ऐसा संभव नहीं है, कहाँ कोई बोने जाएगा, खरीद के ही आता है। लेकिन गांव में अधिकतर सब लोग थोड़ा सा ज़रूर धनिया की पत्ती वगैरह, लहसुन जो भी बोना रहता है अपने खेत में बुआई कर देते हैं। और यहाँ पर मिर्चा भी कट कर दिए हैं इसमें। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। Thank you.